आज मैं बताऊंगा आपको नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने। ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड इस नाइट्रो ग्रुप को ओपन करके यानी डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव, नाइट्रोजन के चार बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव आएगा। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ होंगे। सबसे पहले ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, पहले से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन और ले रहा है उस पर से। तो क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है वो रिंग से खींचेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो कैसे खींचेगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये अपनी तरफ ऐसे नाइट्रोजन खींचेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला क्या बना कि इस इन दोनों से हमने को छेड़खानी नहीं की, उनको ऐसे रखो। यहाँ डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। अब इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहले डबल बॉन्ड था, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया तो इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन रहा है ओ नेगेटिव, और यहाँ भी ओ नेगेटिव। नाइट्रोजन के अगेन फोर बॉन्ड्स हैं तो इस पर एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओवरऑल देखो तो अभी भी न्यूट्रल ही है मॉलिक्यूल, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ऐसे शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट होकर इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्योंकि इस वाले कार्बन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, अभी इधर से बॉन्ड बना रखा था, अब इधर से बन जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा। तो इसको एज इट इज रखा, इसको एज इट इज रखा, इस पर पॉजिटिव था। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था वो यहाँ चला गया और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर आएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस बार इस वाले कारण पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, इस वाले को एज इट इज रखा, यहाँ एक डबल बॉन्ड बनता दिख रहा है, यहाँ सेम चीज नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव आ गया। नाउ लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है अब ये वाला टूट के इधर आ जाएगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि ये बेंजीन रिंग बन रही है फिर से, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया देखो, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ नाइट्रोजन था, ये डबल बॉन्ड बन गया फिर से ओ, और ये ओ नेगेटिव फिर से हो गया और नाइट्रोजन पॉजिटिव। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए नाइट्रोबेंजीन के। पांच इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं नाइट्रोबेंजीन के। थैंक यू।